अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और जुम्मातुल मुबारक का बाबरकत दिन आपने अच्छे से गुजारा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी सूरत में, कौन से कंडीशन पे आपका इकामा फ़ीस जो है वो माफ़ किया जाएगा, मतलब उसमें कमी की जाएगी, मतलब आपको बहुत बड़ी सहूलत जो है वो दी जाएगी कि आप जो है वो कितना कम जो है वो फ़ीस अदा कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आज की वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिए। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ नोटिफिकेशन बिल्कुल लाजमी से दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको बिना नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ एक इमेज जो है वो शेयर करूंगा जिसमें फुल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मतलब कौन सी सूरत में आपका कितना इकामा फीस जो है वो माफ़ होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके टाइटल पे अगर आप जो है वो क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू इकामा डिस्काउंट और यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का जो है वो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इकामा डिस्काउंट एंड यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक जो है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप पूरी इमेज जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन सी सूरत में आपका कितना इकामा फीस जो है वो माफ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की छोटी सी सिंपल वीडियो आपको पसंद आ जाए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो लाजमी से लाइक कीजिएगा। सऊदी अरब के तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, जवाजात है, मिनिस्टर ऑफ लेबर, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट्स अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को आपको कर देना है लाजमी से सब्सक्राइब, साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल लाजमी से दबा देना है ताकि जो भी नई अपडेट आए आपको बिना नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।